साथियों, आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो चिट्ठी आई है ये JCERT की चिट्ठी है। बहुत ही खास ये चिट्ठी सभी शिक्षकों के लिए और सभी बच्चों के लिए, खास करके ये भी देखिए, प्रेषक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया सर का है, राज्य परियोजना निदेशक सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिले के सभी जिले झारखंड, यानी झारखंड के सभी जिलों के लिए ये अनिवार्य है। देखिए, इसमें मुख्य बात जो है ना वो कही गई है, ई विद्यावाहिनी के मार्फत प्रतिदिन छात्रावार कक्षावार बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब बच्चों का अटेंडेंस जो है ना आपको ई विद्यावाहिनी में मोबाइल एप्लीकेशन है ई विद्यावाहिनी का, उसमें आपको बच्चों का अटेंडेंस बनाना होगा। उपयुक्त विषयक विद्यालयों को खोलने संबंधी निर्देश दिया जा चुका है, यानी विद्यालयों को खोलने का निर्देश दिया जा चुका है। ऐसे में विद्यालयों को अपने ई विद्यावाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन में स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल का प्रयोग, प्रतिदिन उपस्थित होने वाले बच्चों का छात्रावार उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। बहुत ही ये खास खबर सभी को जान लेना जरूरी है कि जो बच्चे उपस्थित होंगे उनका जो है अटेंडेंस आपको बनाना आवश्यक है। ई विद्यावाहिनी में छात्रावार कक्षावार उपस्थिति दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। इस हेतु छात्रवार उपस्थिति दर्ज कराने हेतु SDMIS का वर्तमान शैक्षणिक सत्र जो सत्र है 21-22 का 22 तक अध्ययन होना आवश्यक है। देखिए, आपने जरूर से जरूर ई विद्यावाहिनी में ये SDMIS जो है उसका जो सत्र 2021-22 है उसका अध्ययन आपने कर लिया होगा, उसको अपलोड कर लिया होगा। इसके लिए ई विद्यावाहिनी में मास्टर डाटा के अंतर्गत स्टूडेंट डाटा डाउनलोड करना अनिवार्य है। जैसे ही आप ई विद्यावाहिनी में जाएंगे सभी डाटा को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। SDMIS वर्तमान शैक्षणिक वर्ष तक अध्ययन नहीं होने की स्थिति में कक्षावार उपस्थिति दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया है, यानी आपको जरूर से जरूर बच्चों का अटेंडेंस बनाना होगा। दिनांक 10/8/2021 को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में आपको आवश्यक निर्देश दिया गया है। निर्देशानुसार पुनः निर्देश दिया जाता है कि आप सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में ई विद्यावाहिनी के मार्फत प्रतिदिन छात्रवार कक्षावार उपस्थिति दर्ज कराने हेतु सभी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश देते हुए इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ये बहुत ही खास खबर डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया सर का, जो JCERT का परियोजना निदेशक हैं। तो सभी बच्चों का अटेंडेंस आपको ई विद्यावाहिनी एप्लीकेशन के माध्यम से बनाना है। तो देखते हैं आगे ई विद्यावाहिनी में बच्चों का अटेंडेंस कैसे बनाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। रहा आपका ई विद्यावाहिनी, ये ई विद्यावाहिनी खुल रहा है, आप देखें। देखिए, ई विद्यावाहिनी का ये पेज खुल चुका है। आपको जाना है स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाना है, यहाँ से आप बच्चों का अटेंडेंस बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अटेंडेंस को टिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ दो सेक्शन दिया हुआ है, दो बॉक्स दिए हुए हैं। एक में आपको क्लास चुनना है, दूसरे में सेक्शन। तो देखिए, यहाँ पे आप जैसे टिक करेंगे तो आपको क्लास नज़र आएंगे, LKG UKG, Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 और Class 8। तो यहाँ से आप जिस क्लास को चुनना चाहेंगे उस क्लास को आप चुन सकते हैं। जैसे मैंने Class 7 को चुन लिया, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में आएंगे, दूसरा सेक्शन ये वाला सेक्शन है। यह जो सेक्शन है यह आपको सेलेक्ट सेक्शन है, मतलब Class 7 में जितने भी सेक्शंस आपके विद्यालय में चलते हैं वहाँ ऑप्शन रहेगा, उस सेक्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको टच किया, अब देखिए ABCDEFGH ये सारे सेक्शंस हैं। तो यहाँ सेक्शन को, किसी एक सेक्शन को चुनना है तो मैं सेक्शन ए को चुन लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बच्चों का नाम आ गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ साइड में ना सब जगह टिक किया हुआ है। तो बच्चों का अटेंडेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए ऊपर में ना एक और ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए ऊपर में, जी हाँ, आप फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ टिक लगा हुआ है, आप टिक इसको हटा देंगे तो सबसे हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जिन बच्चों का अटेंडेंस आपको बनाना है उसको टिक करेंगे। जैसे आयुष कुमार कसेरा का अटेंडेंस मैं टिक किया, फिर अफसर अली को टिक किया, मतलब ये बच्चे प्रेजेंट हैं तो इनका अटेंडेंस हमें बनाना है। तो ठीक है, अब देखिए
ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम बच्चे रहेंगे तो सभी बच्चों को टिक कर सकते हैं, या तो सभी बच्चे यदि रहेंगे तो यहाँ ऑल पे टिक करेंगे तो सब बच्चे हो जाएंगे। तो मुझे चुनना है सिर्फ दो, मान लीजिए इन दोनों को मैंने अटेंडेंस बना रहा हूँ आज। तो देखिए आगे बढ़ाएंगे नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट अटेंडेंस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबमिट अटेंडेंस, तो आपको सबमिट अटेंडेंस पे जाना होगा। तो सबमिट अटेंडेंस पे मैं गया, अब देखिए यहाँ जो लिख रहा है उसको देखें क्या लिख रहा है, स्टूडेंट अटेंडेंस टुडेज अटेंडेंस डाटा विल बी सेव्ड इन ड्राफ्ट, यू कैन सिंक डाटा फ्रॉम ड्राफ्ट, यानी आज का जो अटेंडेंस है ना ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा और वहाँ से आपको डाटा सिंक करने होंगे। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ जो है ना ये यहाँ से आपको सिंक करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे जिन दो बच्चों का अटेंडेंस आपने बनाया हमने बनाया उसको यहाँ पे सिंक करने होंगे, तो व्यू एंड सिंक पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ आप देखिए प्रेजेंट दिखा रहा है, देखिए ये टोटल जो है ना 53 है और यहाँ प्रेजेंट है एक, यहाँ भी देखिए टोटल 61 है यहाँ प्रेजेंट है दो, ठीक है। तो अब देखिए जी हाँ अब देखिए आपको चूँकि 8 क्लास का भी मैंने बनाया हुआ था तो ये दिख रहा है ये क्लास 8 का है, जैसे मैंने क्लास 7 लिया उसी तरह से आप क्लास 6 7 8 जो भी चाहें वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ 8 में 53 में एक आया है, एक का अटेंडेंस हुआ है, यहाँ 7 में 61 में दो आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लास दिया हुआ है यहाँ क्लास दिया हुआ है, तो अब क्या करना है कि डाटा को आपको सिंक करने हैं। तो सिंक करने के लिए आप देखिए ये ऑप्शन को दबा देंगे, यहाँ पे दबा देंगे तो आपके जो अटेंडेंस है ना वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही रोचक है और बहुत ही आसान है, आप बस इसको करेंगे लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए ये हैबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी जो बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं जितने बच्चे को वो ग्रीन में आ जाएगा, बाकी टोटल जो है वो रेड में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सिंपल है, तो चलिए इसको सिंक करते हैं। देखिए मैंने सिंक किया, अब देखिए ये डाटा जो है ना सिंक, अब देखिए क्या कह रहा है सिंक कंफर्मेशन, यानी जो अपने सिंक कर रहे हैं वो कंफर्म कर दें यहाँ पे, द अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी सिंक्ड विद सर्वर एंड यू विल बी नो लॉन्गर एबल टू एडिट, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से डाटा को आप सिंक कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बच्चों का अटेंडेंस आप निश्चित ही बना लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। सो थैंक यू अगेन।